तेरे को और नया दिन ने को और नई गाड़ी, ये है भैया मारुति अर्टिगा VXI CNG कमर्शियल गाड़ी। नंबर प्लेट आप देख के समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में भाई आपको इस गाड़ी का पूरा मैं ऑन रोड प्राइस के साथ साथ अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या कार्ड रखा है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद एक ड्राइव रिव्यू भी करेंगे कि एक्चुअल में ये गाड़ी जो है वो चलाने में कैसी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं भाई चाबी से। सेंट्रल लॉकिंग के साथ गाड़ी आती है और इस तरह की आपको इसमें चाबी मिलती है। अभी मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा ना तो, या लॉक करूंगा तो, जो मिरर है ना ये फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते, ये आपको भाई मैनुअली ऐसे हाथ से करने पड़ेंगे। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो इस तरह की आपको आगे ग्रिल मिल जाती है, बड़ा सा लोगो मिल जाएगा कंपनी का, इस तरह का आपको लाइट्स का सेटअप मिलेगा। नीचे फॉग लैंप जो ओनर ने लगवाई हुई है ये नहीं मिलती। अच्छा, जो CNG वेरियंट है ना, इसमें बेस वेरियंट एंड VXI बस दो ही वेरियंट आते हैं। जो इनका ZXI वेरियंट है ना वो भाई CNG वाले में नहीं आता, वो नॉर्मल अगर आप पेट्रोल वाली लोगे उसमें मिल जाएगा। इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो भैया 12 लाख से 13 लाख के बीच में आपको, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रहते हो, मिल जाएगी। बाकी इसका जो हेडलाइट का सेटअप है ना ये पूरा का पूरा आपको हेलोजन में मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई 7 सीटर गाड़ी है, लंबी सी लगती है, बड़ा सा व्हील बेस है इसका और प्राइस पॉइंट इतना कम है, इसलिए ये गाड़ी जो है ना टैक्सी में बहुत ज्यादा चलती है। और मतलब जो जिनकी फैमिली बड़ी है ना, 5-6 लोग वाली और सस्ती गाड़ी लेना चाहते हैं, वो भाई इस गाड़ी को जरूर चूज करते हैं। टायर की बात करें तो एलोए आपको इसमें नहीं मिलता, ऊपर से जो है वो कैप दे रखा है। ज्यादातर कंपनीज यही कर रही है, एलोए व्हील नहीं देती है, ऊपर ऐसे वो लगा देती है कैप से, जिससे कि ना देखने में तो ये एलोए लगता है बट एक्चुअल में है ये स्टील रिम है। ये 15 इंच के और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185/65 R15 है। ORVM स्पेस पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, फेंडर पे नहीं दे रखे, कोई भी आपको फुटस्टेप नहीं मिलते क्योंकि गाड़ी ना लंबी है, ऊंची नहीं है तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए फुटस्टेप का यूज नहीं किया गया। यहाँ पर आपको इसका लीड मिल जाएगा, एक बार मैं अनलॉक करके दिखा दूं, चाबी से नहीं अंदर से खुलता है ये, और इसी में आपका पेट्रोल का भी दे रखा है साथ ही साथ में CNG का भी, तो यहीं से आप भरवा सकते हो। और सेफ्टी फीचर के लिए अगर ये आपका ढक्कन खुला रह जाता तो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रियर के लुक की बात करें तो कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, अर्टिगा की बैजिंग दे रखी है और इसके अलावा VXI LXI कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही आपको VXI में कोई भी रिवर्स कैमरा मिलता है, वो आप एडिशनली लगवा सकते हो, वैसे कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। CNG का यहाँ पे लोगो दे रखा है। रियर में ना तो डिफोगर है ना ही भाई वाइपर मिलता है VXI वेरियंट में, और ये भी जो है गार्ड ये आफ्टर मार्केट है। ऊपर आपको ना ही रूफ रेल्स मिलेंगे ना शार्क फिन एंटीना, नॉर्मल वाला एंटीना मिल जाता है कुछ इस तरह का। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दे रखा, चाबी से ही अनलॉक करो और अंदर सीधा घुस जाओ। मारुति की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है भाई, इसलिए दरवाजे भी बहुत हल्के फुल्के से हैं। चारों पावर विंडो मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, विंडो लॉक का बटन मिल जाएगा, ORVMs को कंट्रोल करने का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है ORVMs को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। बाहर से तो मैनुअली होगा, अंदर से आपको लेकिन बटन मिल जाते हैं। इधर आपको फ्यूल स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट करोगे ना आप इस तरह से देखो, पुश स्टार्ट बटन नहीं है, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट तो कर दी और स्टार्ट करने के लिए क्लच पूरा दबाना पड़ता है। अभी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हुई है भाई पेट्रोल में, लेकिन ऑटोमेटिक जो है वो CNG में चढ़ जाएगी कुछ देर बाद। देखो अभी पेट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है आपको वहाँ पर, ये कुछ देर बाद CNG हो जाएगा। ये देखो जी CNG का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। नीचे आपको यहाँ बोतल होल्डर मिल जाएगा, सीट जो है वो भाई मैनुअली एडजस्टेड आगे पीछे हो जाती है और हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जबकि जो पैसेंजर सीट है वो सिर्फ आगे पीछे होगी, हाइट नहीं कर पाओगे आप, रिक्लाइन तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, म्यूट एंड म्यूट का बटन मिल जाएगा, कॉल उठाने का, ब्लूटूथ का यहाँ सारा बटन मिल जाएगा, बीच में हॉर्न दे रखा है, यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल दे रखे हैं, इधर की साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल है, यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट दे रखा है, आप चिल्लर विल्लर रख सकते हो। इस तरह का आपको मीटर मिलता है, दो आपको एनालॉग मीटर मिलते हैं, बीच में एक मिलती है डिजिटल स्क्रीन, एनालॉग में आपका RPM मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, बीच के स्क्रीन को आप कंट्रोल कर सकते हो भाई इस वाले बटन से, ये लंबा सा। क्या क्या देखने को मिलता है आपको दिखा दूं, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है CNG मोड, टोटल चली हुई है 6180 गाड़ी, ये भी कुछ कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, क्लॉक मिल जाएगी, टॉर्क और पावर का वो मिल जाएगा, बस इतना ही है, मोड रेशियो मिल जाएगा। तो मोड रेशियो का मतलब है ये जो ग्रीन है, मतलब CNG पे ही ज्यादा चलती है गाड़ी, पेट्रोल पे नहीं ऑब्वियसली भाई, मेरी टियागो छोड़ के बाकी लोग तो CNG चलाएंगे ना। और CNG का फ्यूल लिट जो है, मतलब फ्यूल का जो मीटर है वो यहाँ मिलता है और पेट्रोल का मीटर यहाँ मिलता है। चला के देखेंगे भाई CNG में इसकी पावर कैसी है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। यहाँ पर आपको भाई इन्फोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी, जो की के भाई टच स्क्रीन नहीं है, मतलब जरा सी है, इसमें आपको ब्लूटूथ रेडियो और ये सब मिल जाता है, इसके अलावा ऑक्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट ये टच नहीं है, ये बटन यहाँ पे टच जैसे फील हो रहे हैं वैसे टच नहीं है, ये यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो इसे। नीचे आपको हजार का बटन मिल जाएगा, AC का पूरा यूनिट मिल जाएगा, कोई भी स्क्रीन नहीं दे रखी, सब कुछ ही मैनुअली है। और ये जो सर्कुलेशन का है ये भी भाई पुराने जमाने का है,
अभी तो खैर बटन वाले आ गए। नीचे आपको एक सिगरेट लाइटर का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यूएसबी एंड ऑक्स का स्लॉट मिल जाता है, कुछ सामान रखने की जगह मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ये व्हील नोब मिल जाता है एसी के लिए, एक्चुअल में एसी नहीं है, कप होल्डर भी जो है वो कूल एंड हीट वाले है, तो यहाँ से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो ये ठंडा हो जाएगा। देखो ये छोटे छोटे वेंट दे रखे अंदर। गियर नोब मिल जाएगा, मैनुअल गाड़ी है, सीएनजी में मैनुअली आती है, ऑटोमेटिक नहीं आती। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी मैनुअली, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दे रखा, बाकी नॉर्मली सीट्स है। यहाँ पर वेंट दे रखे हैं, डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। ये है भैया अपना ग्लव बॉक्स जिसमें आपका ठीक ठाक सा सामान आ जाएगा। चलो जी चलो अब आपको मैं सेकंड रो दिखाता हूँ। ये है भैया गाड़ी की सेकंड रो, एंड इसका जो ये वाला दरवाजा ना, ये तो भाई थोड़ा भारी सा फील हो रहा है, आगे वाला तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा लगता है। विंडो के कंट्रोल दे रखे है, लेग रूम नी रूम भाई बहुत तगड़ा है, आराम से आप कंफर्टेबल होके जो है पीछे दो बंदे बैठ सकते हैं, तीन बिठाने हैं तो थोड़ा सा ऐसे में घुचपुच हो सकती है, बट वैसे खुली गाड़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको जो है एक सिगरेट लाइटर का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप चार्जिंग वार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो। सीट्स तो ठीक है भाई, कंफर्टेबल है, हेडरेस्ट भी दे रखा है, एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। बीच में यहाँ पर आर्मरेस्ट दे रखा है जिसमें आपको कप होल्डर कोई भी नहीं मिलता। एसी वेंट पीछे वालों के लिए यहाँ पर दे रखा है विद कंट्रोलर, मतलब फैन स्पीड आप इससे कंट्रोल कर सकते हो भाई। एंड लास्ट रो आपको मिल जाएगी, कहने को ये सेवन सीटर है, वैसे आप पांच लोग और दो बच्चे बिठा सकते हो। पीछे जाने के लिए यहाँ से ऐसे इसको पुल करना है और ये जो है आगे हो जाएगी, जैसे थार में करते हैं ना अपने, सेम टू सेम पीछे आप यहाँ पर जा सकते हो। ये देखो भाई, तो आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तौर पे दिखा देता हूँ कि पीछे हम जैसे लोग नहीं बैठ पाएंगे। ये हो गई, अभी ये और पीछे होएगी तो नी रूम, तो आप समझ लो ये है, अगर ये यहाँ सीट है तो मेरा नी आ रहा है यहाँ पे। तो बड़ों के लिए तो पीछे भाई बिल्कुल जगह नहीं है, ये है दो आपके बच्चे हैं दो तीन, तो पीछे उनको ठूस दो, वैसे पांच लोगों के लिए गाड़ी है। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाएगी, आगे भी लाइट मिल जाएगी, इधर कप होल्डर मिल जाता है, इधर कप होल्डर मिल जाता है, इधर आपको एक सिगरेट लाइटर का पोर्ट मिल जाएगा जो शायद से नहीं है, नहीं है भाई, मतलब चार्जिंग का यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये सीट भी जो है भाई काफी सीधी सी है, ऐसे कमरों में टूट जाना तो चला भैया ना। बाकी सेकंड रो की जो सीट है ये भाई रिक्लाइन विक्लाइन हो जाती है अच्छे से, टंबल भी हो जाती है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। डिक्की आपको दिखा दूं भाई, यहाँ पर ही आपको ये इस तरह का मैनुअल वो मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है सीएनजी का सिलेंडर दे रखा है इसके नीछे, तो ये सीएनजी का सिलेंडर यहाँ छुप गया है, 6-6.5 किलो गैस इसमें आ जाती है, और सिलेंडर रखे होने के बावजूद भाई ऊपर आपको कम से कम 2-3 बैग की जगह भी दे रखी है, तो टैक्सी वैक्सी में आप इसको एज अ फुल 6-7 सीटर यूज कर सकते हो, और साथ में लगेज भी रख सकते हो सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद। इंजन की बात करें तो भाई इसमें आपको 1500cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। मारुति की यही बुरी बात लगती है भाई, कवरिंग वबरिंग नहीं दे रखी ऊपर, देखना सब कुछ ऐसे एक्सपोज है। ये इंजन भाई 86 bhp एंड 121 nm का टॉर्क निकालता है। अब ये गाड़ी के साइज के हिसाब से 86 bhp इनफ है या नहीं है, फटाफट से चलते हैं इसकी ड्राइव पर। चलो भाई चलो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं फटाफट से, पहले तो आपको इंजन की आवाज सुनाता हूँ, पेट्रोल इंजन कितना शांत है इसका, और ये गाड़ी जो है सीएनजी में स्टार्ट होगी, मतलब मेरे को पता है आप लोगों को सुनाई भी नहीं दिया होगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ना कोई वाइब्रेशन है ना कोई शोर है, बिल्कुल साइलेंट कैबिन, मैनुअल जो है ट्रांसमिशन मिलता है 5 गियर का, तो लेकर इसको चलते हैं जल्दी से और एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। मेन तो मेरे को यही देखना है भाई कि अरे यार सही पिकअप है, अरे चलने में तो भाई बिल्कुल स्मूथ है, कोई परेशानी नहीं लग रही गाड़ी में, ब्रेक्स थोड़ी सी वो रखी है अब पता नहीं है, वो गाड़ी चली है ना अभी इस वजह से, वैसे सही थी नहीं गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक सूखी अभी थोड़ी, जहाँ लगाओ सर वहीं लग जाए बिल्कुल भाई, पावर तो फील हो रही है यार, ठीक है मतलब सीएनजी में अगर आपको ये मिल जाए तो और क्या चाहिए, मेरे लिए तो ये था। अच्छा अब ये सीएनजी में जी बिल्कुल सीएनजी पे आ गई है ऑटोमेटिक, ऊपर ग्रीन आ गया है, बट सीएनजी गाड़ी है तो पेट्रोल पे तो चलाना चाहिए गाड़ी को, मैं तो ये प्रेफर करूंगा बिकॉज जो गाड़ी का इंजन है वो पेट्रोल का ही होता है, एडिशनली में वो सीएनजी लगती है। पिकअप तो भाई मुझे सही में इसकी बहुत सही लगी, ब्रेक्स इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है बट ये नई गाड़ी में नहीं होगी, अभी इतनी चली हुई है सर्विस मांग रही होगी इसलिए ब्रेक की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सीएनजी में ऑटोमेटिक ये शिफ्ट हो जाती है पेट्रोल से, एंड पावर जो है सीएनजी में ही मुझे तो भाई कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। अब ऐसा करते हैं भाई इसको सीएनजी से पेट्रोल पे फिर से स्विच करते हैं, तो अब ये जो है पेट्रोल पे चल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेट्रोल का लोगो आ गया, अब थोड़ा देखते हैं भाई पिकअप। हाँ यार सीएनजी और पेट्रोल में डिफरेंस ही नहीं लग रहा, मतलब सीएनजी में क्या होता है ज्यादातर गाड़ियां ना दब सी जाती है पावर में, बट इसमें फील नहीं हो रहा, आपको भी नहीं फील होती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये ओनर है इस गाड़ी के, मजा आता है गाड़ी को चलाने में, ऐसा लगता है कि कब गाड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं फरीदाबाद वगैरह जाता हूँ तो कब 120-130 पहुंच जाती है मुझे खुद नहीं पता लगता गाड़ी, सही है
बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता डरा हुआ ना, गाड़ी वाइब्रेट करती, वरना बॉडी रोल नहीं होती है, गाड़ियां वाइब्रेट करने लगती है। ये तो बिल्कुल रोड से चिपक के चलती है। सही है भाई, गाड़ी तो बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब हम आ गए लेजर वैली ग्राउंड, यहाँ पर थोड़ा सा जो है टूटे फूटे रस्ते में भी इसको चला के देख लेते हैं कि इसका सस्पेंशन कैसा है और एक्चुअल में अंदर जो है वो कम्फर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओ भाई साहब, ओए होए, सही है यार, कम्फर्ट तो सस्पेंशन भी अच्छे है गाड़ी के, स्टीयरिंग भी बिल्कुल सही है, ना ज्यादा लाइट है। स्टेयरिंग भी भाई इसका बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, ना इतना हार्ड है, मतलब जितना चाहिए ना इंसान को वैसा है। अब ये देखो थोड़ा गड्ढा आया है, ओ बड़े आराम से निकल गई भाई, सही है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ड्राइविंग रिव्यू में एकदम मस्त है भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे मतलब ये गाड़ी आपको मिल रही है तो ड्राइविंग में आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि अंडर पावर्ड है या फिर खींच नहीं रही गाड़ी। पैसा ज्यादा दोगे तो ऑब्वियसली अच्छी चीज मिलेगी, बट ये पैसों के हिसाब से मस्त एकदम। तो ये था भाई अर्टिगा VXi CNG वेरिएंट का एक ओवरव्यू या फिर सारे फीचर्स, ड्राइविंग आपको सब कुछ मैंने बता दिया। कैसी लगी आपको गाड़ी बताना, और कोई अगर लेने का प्लान कर रहा है तो उनके लिए यूजफुल रही है नहीं रही है वीडियो, वो भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर रही तो भैया सीधा लाइक मार दिया करो और चैनल को कर दिया करो सब्सक्राइब। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।